हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं और शब्द के अर्थ को घटाते बढ़ाते या उलट देते हैं। ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। अब उदाहरण दीजिए, जैसे प्र, प्र से चार शब्द हैं, प्रयत्न, प्रचार, प्रबल, प्रयास। प्रयत्न, प्रचार, प्रबल, प्रयास, ये सभी लाइन के ऊपर बनेंगे। अगला शब्द है परा, पराभाव। इसमें अंत में व का संक्षिप्त चिन्ह लगेगा। दूसरा है पराजय, इसमें ज का वृत्त बनेगा, पराजय और य का संक्षिप्त चिन्ह। तीसरा है पराक्रम। चौथा है पराधीन। ठीक है, अगला है अप। अप से पांच शब्द है, अपकृति। इसमें अ का स्वर न लगाकर अ का डैश लगाएंगे, क्योंकि आकृति छोटी बन सके और गति में वृद्धि हो। अपकीर्ति, अपमान, अप शब्द, अप नीति। इसमें अप को लिख के नीति से काटना है, अप नीति। अप शगुन, अप शगुन में सवृत्त की दिशा बदलने वाला नियम लागू होगा, अप शगुन। नेक्स्ट है उप। उप से पांच शब्द है, उपक्रम। और अगर मैं आपको पहले ही नियम लिखाया हूं, ई या उ का स्वर अगर आए तो शब्द को लाइन काट कर लिखना चाहिए। यहाँ पे वही नियम लागू होगा। उपकार, उपक्रम, उपरांत, उपयुक्त, उपर्युक्त। ठीक है, यहाँ पे उपर्युक्त में रा अकड़ा का उपयोग होगा, उपर्युक्त। इन वो तीसरे स्थान का स्वर है, लेकिन बाएं से दाएं जाने वाले व्यंजनों को लाइन काट कर नहीं लिखा जा सकता। इनको लाइन पर ही लिखकर तीसरे स्थान का स्वर अनुमान से पढ़ना है। इनकार, ईंधन, इंसान, नी, इसमें भी वही नियम लागू होगा। निधन, निवास। आखिरी शब्द है ना। ना से चार शब्द है, नालायक, नादान, नाकाम, नाकामयाब। नालायक में ला अकड़ा और यह को छोटा कर देंगे। यह को छोटा करने से का इसके साथ स्वतः ही जुड़ जाएगा, नालायक। नादान, नाकाम और नाकामयाब में नाकामयाब और य को छोटा करके गाढ़ा कर देने से इसके साथ ब स्वतः ही जुड़ जाएगा, नाकामयाब। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में उसे मैं बताऊंगा। ठीक है। ठीक, थैंक यू।